राजस्थान सरपंच संघ द्वारा ग्राम पंचायतों को विकास कार्य कराने में आ रही समस्या व सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने के विरोध में आगामी 8 मार्च को विधानसभा पर प्रदर्शन करने की तैयारी को लेकर आज राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर टीमें भेजकर सरपंचों से 20 सूत्री मांगों को लेकर रणनीति बनाई गई। राजस्थान सरपंच संघ की ओर से बीकानेर संभाग की जिम्मेदारी राजस्थान सरपंच संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल जानू तथा अजमेर जिला अध्यक्ष हरिराम माना को सौंपी गई। वहीं जोधपुर संभाग की जिम्मेदारी राजस्थान सरपंच संघ के संयोजक महेंद्र सिंह मजेवला तथा प्रदेश के मुख्य सचिव शक्ति सिंह रावत को दी गई। अजमेर संभाग की जिम्मेदारी स्वयं प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल तथा प्रवक्ता लालाराम अणदा के साथ अजमेर जिला सरपंच संघ के संरक्षक विजय कुमार पाराशर ने संभाली। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने बताया कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को मिलने वाली विकास कार्य की राशि का अभी तक भी ग्राम पंचायतों को आवंटन करने में विलम्ब कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास कोष के लिए अभी भी 2900 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल तथा प्रवक्ता लालाराम आणदा ने अजमेर में पत्रकारों को बताया कि सरपंचों के चुनाव जीते हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने 6ठे वित्त आयोग का गठन तक नहीं किया है। साथ ही हाल ही में पेश हुए बजट में भी ग्राम विकास को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई। इससे प्रदेश भर के सरपंच नाराज है। बंशीधर गढ़वाल ने बताया कि सरकार अगर उनकी बातें नहीं मानती है तो आगामी 5 मार्च से सरपंच पंचायत स्तर पर होने वाली सभी बैठकों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही आगामी 8 मार्च को विधानसभा स्तर पर घेराव व प्रदर्शन कर सरपंच अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षण करेंगे। राजस्थान सरपंच संघ पिछले लंबे समय से अपने चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है और चरणबद्ध आंदोलन के रूप में आज मुझे सरपंच संघ द्वारा अजमेर का सह प्रभारी बनाया है और हमारा लक्ष्य ये है कि जिस प्रकार आज जटिल पन के कारण ग्राम पंचायतों में विकास के नए आयाम स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, जिस प्रकार पीडी अकाउंट की समस्या थी, सरकार ने हमारी मांग तो मान ली लेकिन पीडी अकाउंट के जो खाते हैं वो हस्तांतरित करने के बाद में उसमें राशि नहीं आई। अगर हमारे पास ग्रामीण विकास के लिए निश्चित जो हमारा फंड है, राज्य मद है, केंद्रीय मद है, उसकी राशि अगर गाँवों में नहीं आएगी तो विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि ग्रामीण विकास के लिए, पंचायती राज की मजबूती के लिए जो ग्रामीण विकास फंड हमें दिया जाता है वो समय पर दिया जाए, वरना ग्रामीण विकास नहीं होने के कारण सरपंचों में रोष है। और राजस्थान का जो बजट अभी घोषित किया गया उस बजट में राजस्थान के सरपंचों के लिए एक भी घोषणा नहीं की गई, जिससे राजस्थान के सरपंचों में रोष है। हम 8 तारीख को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को ज्ञापन देंगे और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम मौन प्रदर्शन करके राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके लिए आज हमारे संभाग स्तर के, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी कार्यकर्ताओं और सरपंच साथियों के बीच में हम जा रहे हैं और जाकर आगे में जो रणनीति है, हमारी 20 सूत्री जो मांगे हैं उनका प्रदर्शन करके हम हमारी लोकतंत्र में बात मनाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक ग्राम पंचायत में 3 पंचायत सहायक होते हैं, सुरक्षा कर्मी होता है, उसके अलावा पेयजल और लाइट के बिल भी आपको भरने होते हैं, खाली पोस्ट से किन समस्याओं, किस प्रकार से आप इनको जूझ रहे हैं? देखिए, हमारे पास राज्य मद और केंद्र मद से जो राशि आती है वो राशि पर्याप्त नहीं है। आज ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष में मिलती है, ये राशि अपर्याप्त है। अपर्याप्त इसलिए है कि 3 ग्राम पंचायत सहायक है उनका मानदेय, पंप चालकों का मानदेय, वार्ड पंचों का मानदेय, सरपंचों का मानदेय और बिजली के बिलों का जो जनता जल योजना है, ये सरपंचों के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। हमने कई बार राजस्थान सरकार से मांग की है कि इस जनता जल योजना को या तो अतिरिक्त बजट ग्राम पंचायतों को दिया जाए या इस योजना को जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को सुपुर्द कर दिया जाए। आज जो हमारे पास में जो विकास का पैसा आ रहा है वो सारा का सारा पैसा अन्य रूप में चला जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। अतः जब तक ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें मजबूत नहीं होगी, भारतीय विकास की संकल्पना है वो अधूरी है। मैं लालाराम अणदा, प्रदेश प्रवक्ता सरपंच संघ राजस्थान। मैं राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत से निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत तिलोरा तीसरी बार सरपंच हूँ, कृषि में डायरेक्टर भी रहा, पंचायत सदस्य भी रहा, कोविड में डायरेक्टर रहा, सब तरह का मेरा अनुभव है। गहलोत जी जब 2008-2009 के अंदर ये राजस्थान के अंदर सरपंचों के अंदर ठेकापत्ती लगा दी गई, क्योंकि पूरे भारत के अंदर सबसे छोटी इकाई विकास की गाँव के अंदर सरपंच होता है,
उसका भी छोटे छोटे कामों को उन्होंने टेंडर सुविधा कर दी, निविदा सुविधा कर दी, ये गलत है। क्योंकि भारत का संविधान बना तब तक ग्राम पंचायत सरपंच के पावर थे। लेकिन निवेदन करता हूँ गहलोत जी सरकार से कि टेंडर पत्तियों को कैंसिल किया जाए और कम से कम 10 लाख तक का पावर सरपंच को दिया जाए। राजस्थान प्रदेश सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल आज पहुंचे हैं अजमेर संभाग में। यहां पर वह जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात कर सरपंचों की मांगों को लेकर सरपंच एकजुटता के लिए यहां पहुंचे हैं। इसके बाद अगर सरपंचों की बातें नहीं मानी जाती है तो उसके आगे की रणनीति बनाने का इनका कार्यक्रम है। बंशीधर जी, आज आप अजमेर पहुंचे हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम है, सरपंचों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा संभाग स्तर पर सभी संभागों में, 7 संभागों में हमारे प्रतिनिधि गए हुए हैं और मैं भी अजमेर और उदयपुर का संभाग प्रभारी हूँ। आज मेरा पूरा जयपुर अजमेर संभाग है, उसमें सभी तहसील स्तर पर मैं जाऊँगा और सभी सरपंचों को आने वाले समय में जो सरपंच संघ की तरफ से धरना प्रदर्शन करना है, 8 तारीख को विधानसभा का घेराव की हमने चेतावनी सरकार को दे रखी है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 8 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। और जो प्रमुख मांग थी पीडी खाते को लेकर, पीडी खाते के आदेश सरकार ने वापस ले लिए, अब सरपंचों की क्या मांग है? पीडी खाते सरकार ने सरपंचों की एकता को देखते हुए वापस लिए हैं, उसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन खाली खातों का सरपंच क्या करिए, 2 साल से SFC का पैसा सरपंचों के पास नहीं आ रहा है। बिजली के बिल अभी मार्च का महीना चल रहा है तो बिजली विभाग वाले कनेक्शन काट रहे हैं ग्राम पंचायतों के और भी ग्राम सहायकों के और जो भी कर्मचारी हैं हमारे, उनके लिए पैसे देने के लिए ग्राम पंचायतों में कोई पैसा नहीं है और विकास रुका हुआ है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पंचायतों का पैसा रुका हुआ है, पंचायत राज को मजबूत करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2964 करोड़ रुपये SFC का रुका हुआ है और FFC की सेकंड किस्त है 1500 करोड़ की, वो भी रुकी है। वित्तीय स्थिति खराब है क्योंकि सरकार ने 2019-20 का जो फंड था वो भी जारी नहीं किया है और उसके अलावा आने वाले समय के लिए जो 5 साल वित्त आयोग बनता है, 6ठा वित्त आयोग बनेगा, उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई चालू नहीं की है। अगर वित्त आयोग नहीं बनेगा तो ग्राम पंचायतों को, पंचायत राज को पैसा मिलने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि ग्राम पंचायतों और खाली खातों से कैसे होगा विकास, ये कहना है बंशीधर गढ़वाल का। मेरे